राप्ती नदी के किनारे बने पोखरे का शनिवार को अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम की टीम पॉकलेन के माध्यम से पोखरे की साफ सफाई करने में लगी रही। पोखरे के आसपास पड़े फूल माला सहित अन्य सामानों को सफाई कर्मी इकट्ठा करके ट्रॉली पर रखकर व्यवस्थित जगह पर ले गए। राप्ती नदी के किनारे बने विसर्जन स्थल के आसपास की जगहों के साफ सफाई की व्यवस्था पर्याप्त दिखी। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि पोखरे में अब तक लगभग 400 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। कुछ मूर्तियां बाकी हैं जिनके विसर्जन का पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। नगर निगम की टीम निरंतर साफ सफाई कर रहा है। पोखरे की सफाई व्यवस्था में मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, 4 सुपरवाइजर सहित 50 साफ सफाई कर्मी टीम सफाई व्यवस्था में लगी हुई है। जिला और नगर निगम प्रशासन के सहयोग से मूर्तियों का विसर्जन सकुशल जारी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने कहा, देखिए कल भी हम लोग थे यहाँ पे रात में और सवेरे भी हम लोग थे और लगभग 400 मूर्तियों का यहाँ पे विसर्जन हुआ है जी। और अभी भी कुछ मूर्तियाँ फंसी हुई हैं, संभावना क्या है सर? अभी मुझे लगता है कि 50 से 100 के बीच में मूर्तियाँ भी और आएंगी यहाँ पे विसर्जन के लिए। हम लोग ने यहाँ पे उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, सफाई व्यवस्था जो हम लोग निरंतर 24 घंटा चल रही है हमारी, जो भी मूर्तियों से फूल माला और ये सब निकल रही है उसको हम लोग तत्काल मौके से इकट्ठा कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे सब लोग कार्य पे लगे हुए हैं। सर कितनी टीमें लगी हैं साफ सफाई के लिए? सफाई के लिए एक हमारे मतलब मैं प्रभारी हूँ इसका और हमारे चीफ इंजीनियर लगे हैं, एक्सीएन लगे हुए हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर लगे हैं और 4 सुपरवाइजर यहाँ लगे हुए हैं जो अपनी पूरी टीम के लगभग 50 आदमी यहाँ पे निरंतर काम कर रहे हैं। यहाँ से लेके पूरा पुल जो पुल है राजघाट पुल वहाँ तक पूरे लगे हुए हैं।